खबरें विस्तार से। यह जानकर शहरवासियों को तगड़ा झटका लग सकता है कि महाराज बाग प्राणी उद्यान की मान्यता रद्द कर दी गई है। देश भर के चिड़ियाघरों और रेस्क्यू सेंटरों की निगरानी करने वाले प्राधिकरण सीजीडीए ने जू रूल्स 2009 के कई नियमों और आदेशों का पालन नहीं करने के कारण महाराज बाग की मान्यता जारी रखने के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है। यह जानकर शहरवासियों को तगड़ा झटका लग सकता है कि महाराज बाग प्राणी उद्यान की मान्यता रद्द कर दी गई है। देश भर के चिड़ियाघरों और रेस्क्यू सेंटरों की निगरानी करने वाले प्राधिकरण सीजीडीए द सेंट्रल जू अथॉरिटी ने जू रूल्स 2009 के कई नियमों और आदेशों का पालन नहीं करने के कारण महाराज बाग की मान्यता जारी रखने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इस संदर्भ में सीजीडीए का पत्र 29 नवंबर को जारी किया गया था। चिड़ियाघर का प्रबंधन देखने वाले पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ को यह पत्र सोमवार देर शाम मिला। महाराज बाग को सीजीडीए से पहला शो कॉज नोटिस 10 दिसंबर 1997 को जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि प्रबंधन या तो चिड़ियाघर को बंद कर दे या किसी बेहतर जगह पर शिफ्ट करे। इसके बाद भी सीजीडीए की टीम समय समय पर चिड़ियाघर का मूल्यांकन कर रही थी। अंतिम मूल्यांकन इस वर्ष के जनवरी में किया गया था। महाराज बाग की मान्यता संबंधी अवधि नवंबर 2017 को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद से संबंधित प्रबंधन सीजीडीए द्वारा दिए गए कई सुझाव को लागू कर मान्यता जारी रखने का निवेदन कर चुकी है। इस वर्ष 26 सितंबर को हुई बैठक में कमियों को दूर करने की महाराज बाग की ओर से किए गए प्रयासों से असंतुष्ट सीजीडीए ने मान्यता रद्द करने का फैसला किया। 19 नवंबर को अंतिम रूप से फैसला ले लिया गया। जू के इंचार्ज डॉक्टर एसएस वावस्कर के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट 23 मार्च को हुई टेक्निकल कमेटी की बैठक में रखी गई थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।